हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरआरबी 2024 यूथ कंपटीशन टाइम्स न्यू बुक से रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। टाइप वन जिसमें दिया गया है दो भागों के अनुपात ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, ये हमने समाप्त कर दिया है। आज तीन भागों के अनुपात ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न टाइप टू में दिया गया है, तो टाइप टू स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस नंबर 73 से। देखिए क्वेश्चंस नंबर 73 नंबर क्या है। एक खंभा 405 मीटर लंबा है, इसे केसरिया, सफेद और हरे रंग में एक के ऊपर एक क्रमशः 8:9:10 के अनुपात में रंग दिया गया है। खंभे के सफेद भाग की लंबाई मीटर में कितनी है? तो इसका सबसे पहले मेथड फर्स्ट बताएंगे, शॉर्टेस्ट मेथड। एग्जामिनेशन हॉल में आपको यही शॉर्टेस्ट मेथड अप्लाई करना है। और ये कैसे आया तो इसे समझने के लिए इसी का बेसिक मेथड भी हम बता देंगे। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का है तो हम इसका बेसिक भी बता देते हैं, और आगे जो भी क्वेश्चन कराएंगे हम ये मेथड फर्स्ट यानी कि शॉर्टेस्ट मेथड से ही कराएंगे, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। तो देखिए सबसे पहले शॉर्टेस्ट मेथड से बताने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है खंभा 405 मीटर लंबा है, कुल लंबाई कितना है 405 मीटर, और रेशियो में कुल लंबाई कितना है जो देखिए 8:9:10 जो दिया है, तो इसको जोड़ेंगे 8+9+10, 8+9 17, 17+10 27, यानी कि 27 रेशियो का वैल्यू 405 हुआ, तो एक रेशियो का वैल्यू 405/27 होगा। तो एक रेशियो का वैल्यू हमने लिखा 405/27। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है क्या, तो क्वेश्चन में पूछा है खंभे के सफेद भाग की लंबाई मीटर में कितनी है, तो अनुपात में देखिए सफेद भाग की लंबाई कितनी है, तो 8:9:10 जो दिया गया है अनुपात, तो केसरिया आपका अनुपात में 8 है, सफेद आपका 9 है और हरा रंग रेशियो में 10 है। तो सफेद का पूछा है तो 9 रेशियो का वैल्यू हमें निकालना है, तो एक रेशियो का वैल्यू इतना है, तो 9 रेशियो का वैल्यू इतना गुना 9 हो जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे, 27 से कैंसिल कर देते हैं, 27 से कम 27, 40 में से 27 घटाइएगा तो 13 बचेगा, और ये 5 यानी कि 135 हो गया। 27 × 35 से 27 × 5 करते हैं तो 135 होता है, यानी कि 27 × 15 कीजिएगा तो 405 हो जाएगा। अब 15 × 9 करेंगे तो 15 × 35 से यानी कि 135 मीटर। तो खंभे के सफेद भाग की लंबाई 135 मीटर हुआ आपका फाइनल आंसर। ये कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 135 मीटर, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसी क्वेश्चंस का बेसिक मेथड देख लीजिए, सिर्फ इसी क्वेश्चंस में हम आपको बेसिक बता रहे हैं, और आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम शॉर्टकट मेथड ही मेथड फर्स्ट के रूप में अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये कैसे हमने डायरेक्ट किया, इसका बेसिक यहां पर बता देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस में जो अनुपात दिया है केसरिया रंग, सफेद रंग और हरे रंग का, वो लिख देते हैं। यहां पर दिया है केसरिया रंग का, और उसके बाद केसरिया रंग का अनुपात और सफेद रंग का अनुपात, इसके बाद हरा रंग का अनुपात, ये क्वेश्चंस में दिया है। अनुपात क्या है 8:9:10, तो टोटल यानी कि कुल कितना हो जाएगी लंबाई, तो 8+9 17 17+10 27, और क्वेश्चंस में टोटल कितना दिया है, क्वेश्चंस में दिया है 405 मीटर है टोटल लंबाई खंभे की, तो ये 27 रेशियो का वैल्यू क्या हो गया 405, तो 27 रेशियो का वैल्यू 405 हुआ, तो एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे 405/27 होगा, तो 15 बार में कैंसिल हो जाता है, यानी कि 27 में 15 से गुना करने पर 405 होता है, तो रेशियो के प्रॉपर्टी के अनुसार आपको 10 में भी 15 से गुना करना है, 9 में भी 15 से गुना करना है, 8 में भी 15 से गुना करना है, तो 15 × 8 = 20 से, और 15 × 35 से, और 15 × 10 = 150, यानी कि हम बोलेंगे कि केसरिया भाग की लंबाई 120 मीटर है, सफेद भाग की लंबाई 135 मीटर है, और हरा रंग का जो भाग है उसकी लंबाई 150 मीटर है। तो आपसे पूछा था सफेद भाग की लंबाई बताइए, तो कितना हो गया 135 मीटर आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस नंबर 74 नंबर, क्वेश्चंस नंबर देखिए 74 नंबर। 1 रुपया की धनराशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्सों का अनुपात 2:3:5 होता है। यदि बी और सी के हिस्से के बीच का धनात्मक अंतर
5940 रुपया है तो x का मान कितना होगा। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया है कि x रुपया को a b और c में विभाजित किया जाता है। किस प्रकार से विभाजित किया जाता है, तो a b और c का रेशियो वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, a अनुपात b अनुपात c, ये क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया है, तो ये दिया गया है 2:3:5, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए को 2 रुपया मिलता है, बी को 3 रुपया मिलता है और सी को 5 रुपया मिलता है। यहां पर टोटल कितना हो गया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये टोटल कितना हो गया, तो 5, 3, 8 और 2, 10, टोटल आपका 10 हो गया। यानी कि एक्स रुपया को हम बांट रहे हैं ए बी और सी के बीच में, तो ये एक्स रुपया किसके बराबर होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। यानी कि ये आपका a प्लस बी प्लस सी है, यही आपका क्या है, x है। तो यही x का वैल्यू आपसे पूछा है, यानी कि 10 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो आपसे क्वेश्चंस में पूछा है। अब क्वेश्चंस में दिया गया है क्या, यदि b और c के हिस्सों के बीच का धनात्मक अंतर 5940 रुपया है। यहाँ पर रेशियो में देखिए b और c का जो अंतर है वो कितना का है, यानी 3 और 5 का अंतर कितना का है, तो 2 का अंतर है, यानी कि रेशियो में 2 यूनिट का अंतर हो रहा है ना। क्वेश्चंस में दिया है कितना का अंतर, 5940 रुपया का, यानी कि ये 2 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 5940। तो एक रेशियो का वैल्यू पहले निकाल लीजिए क्या होगा, ये 5940 बटे कितना हो जाएगा, 2। अब इसको 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर हम लिख देते हैं भाग देकर, तो 2 × 4 फिर 1 और 9, यानी कि 2 × 18, 1 और 4 × 2 = 14 और ये 0, यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू इतना हो गया। तो 10 रेशियो का वैल्यू निकालना है, तो यहां पर क्या करना है आपको, इसमें 10 से गुना कर देना है, यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू 2970 हो गया, तो 10 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो इसमें गुना करेंगे, यानी कि 2970 से तो कितना हो जाएगा, ये 297000 हो जाएगा ना, यानी कि 29700 रुपया। ये आपका एक्स का वैल्यू हो गया 29700 रुपया, यानी कि ए बी और सी को टोटल कुल मिलाकर तीनों में टोटल कितना बांटा जा रहा है, 29700 रुपया। ये कौन सा ऑप्शंस दिया गया है, क्वेश्चंस नंबर 74 का देखते हैं, ऑप्शंस नंबर डी में दिया गया है 29700 रुपया, तो ऑप्शंस नंबर डी इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चंस को आप इतना नहीं करके डायरेक्ट शॉर्टकट में ही बनाना चाहते हैं, तो देखिए ये आपका शॉर्टेस्ट मेथड हम यहां बता रहे हैं, एक ही लाइन में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में दिया है ए बी और सी का अनुपात 2:3:5, और क्वेश्चंस में दिया है बी और सी का अंतर कितना है, 5940, और यहां पर बी और सी का अंतर कितना है, 3 और 5 का अंतर 2 का है, यानी 2 अनुपात का वैल्यू 5940, तो 1 अनुपात का वैल्यू 5940/2 हुआ, तो 1 अनुपात का वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं 5940/2, और आपसे पूछा है क्या, तो आपसे पूछा है क्वेश्चंस में x का मान कितना होगा, x क्या है, तो a प्लस बी प्लस सी है आपका x, यानी कि 5 + 3 = 8, 8 + 2 = 10, यानी कि 10 अनुपात का वैल्यू पूछा है, तो 1 अनुपात का वैल्यू इतना है, तो 10 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे तो इसमें 10 से गुना करेंगे। अब ये आप कैंसिल कर सकते हैं इस तरह से भी, 2 × 5 = 10, और इतना गुना 5 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 29700 रुपया। तो जैसे चाहे आप बना सकते हैं, ये आपका शॉर्टेस्ट मेथड है, इतना नहीं करना चाहते हैं तो ये आप कीजिए, एग्जामिनेशन हॉल में आपको यही करना है, यहां लिख देते हैं एग्जाम में आपको यही करना है, यही आपका मेथड फर्स्ट है। और ये आपका क्या जो हमने बताया, ये बेसिक हमने बता दिया, मेथड सेकेंड के रूप में जो यहां पर आपको ये दिख रहा है, और एग्जाम में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है जो बॉक्स में हमने ये किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, 75 नंबर देखिए, 75 नंबर, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 3:4 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। यहां हमने लिखा है a अनुपात b दिया है 2:3, b अनुपात c दिया है 3:4, तो आपसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां देखिए दोनों में कॉमन क्या है, b दोनों में कॉमन है, तो यहां पर b को हम समान करेंगे, तो यहां पर देखिए b का वैल्यू यहां पर 3 है और यहां भी b का वैल्यू 3 है, यानी कि ये पहले से ही समान है, अगर ये बराबर नहीं रहता तो हम इसे बराबर कर लेते। तो
तो अब देखिए ए का वैल्यू 2 हो गया, बी का वैल्यू तो बराबर है ही, यानी बी का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू कितना 4 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो गया 2:3:4, कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2:3:4, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 नंबर क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप बनाना चाहे तो वीडियो को रोक करके वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश जरूर कीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को बना लेते हैं तो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक तरह से बोल सकते हैं स्ट्रांग है, यानी कि आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, वीडियो को रोक करके आप बनाने की कोशिश जरूर कीजिए। अगर नहीं बने तो इसका सॉल्यूशन जरूर देखिए। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्वेश्चंस क्या बोला है, क्वेश्चंस नंबर 76 देखिए। 4800 रुपया की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5 है तथा सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली कुल राशि के 5/7 भाग के बराबर है। ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर रुपया में ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, 4800 रुपया की राशि को ए बी और सी के बीच में विभाजित किया जा रहा है। सबसे पहले लिख देते हैं कि 4800 रुपया को बांटा जा रहा है 3 भागों में, ए बी और सी में। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी ये कितना है 4800 है, यानी कि 4800 रुपया की राशि को ए बी और सी में विभाजित किया जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चंस में दिया गया है रेशियो क्या दिया है, रेशियो में दिया गया है क्वेश्चंस में ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5 है, यानी कि यहां लिख रहे हैं ए का हिस्सा और बी और सी के संयुक्त हिस्सा, संयुक्त करने का मतलब बी और सी को मिला करके, यानी कि ए का हिस्सा और बी और सी के संयुक्त हिस्सा मतलब बी और सी को मिला करके ये क्वेश्चंस में क्या अनुपात दिया है 3:5, यानी कि ए का हिस्सा 3 है तो बी और सी का संयुक्त हिस्सा कितना है 5 है। तो यहां पर अगर जो हम रेशियो में करना चाहें ए प्लस बी प्लस सी तो कितना हो रहा है ये भी निकाल लेते हैं, तो 3+5 यानी कि आपका 8 हो रहा है। उसके बाद एक रेशियो और क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा है कि तथा सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली कुल राशि के 5/7 भाग के बराबर है, यानी कि अब की बार दिया है सी का हिस्सा और ए और बी को मिलाकर जो हिस्सा होगा उसका अनुपात दिया है कितना 5/7 का मतलब 5:7 इस तरह से, सी का हिस्सा 5 तो ए और बी को मिलाकर के 7। अब यहां पर ए बी और सी टोटल कितना हो रहा है जो देख लीजिए, तो यहां पर 7+5 तो ये आपका 12 हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि 4800 रुपया को ए बी और सी में बांटा जा रहा है, तो ये यहां ए प्लस बी प्लस सी का मान जितना होना चाहिए यहां पर भी उतना ही होना चाहिए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का मान बराबर होना चाहिए। जब आपस में ही लेन देन हो तो योगफल को समान करते हैं, ये कंसेप्ट सबसे पहले नोट्स आप कर लीजिए। जब आपस में ही लेन देन करेंगे तो योगफल को हम बराबर करेंगे। तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 8 है, यहां पर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 12 है, तो 8 और 12 को हमें क्या करना है बराबर कर लेना है सबसे पहले। तो 8 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि 8 और 12 का क्या करेंगे सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो कितना होगा 24 होगा। तो 8 को 24 बनाना है तो 3 से गुना करना होगा और 12 को 24 बनाना है तो 2 से गुना करना होगा। तो यहां पर 7 में भी 2 से गुना करेंगे और 5 में भी 2 से गुना करेंगे, यहां 8 में 3 से गुना किए हैं तो 5 में भी 3 से गुना करेंगे और 3 में भी 3 से गुना करेंगे, तो ये 3:9 हो गया अनुपात, ये 5:15 हो गया और ये अनुपात 8:24 हो गया। और यहां देखिए ये 5:10 हो गया अनुपात, 7:14 हो गया अनुपात, ये 12:24 हो गया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का मान ये हमने बराबर कर दिया। देख सकते हैं ये आपका कितना 24 हो गया, जो ये बराबर हो गया, a प्लस बी प्लस सी का मान हमने बराबर कर दिया। अब आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं देखिए a अनुपात b अनुपात c, ये क्या हो गया, तो a का वैल्यू देखिए 9 है और यहां पर उसके बाद यहां देख सकते हैं a का वैल्यू 9 हमने ये लिख दिया,
और उसके बाद यहां सी का वैल्यू कितना दिख रहा है, सी का वैल्यू दिख रहा है ना 10 है, तो यहां पर सी का वैल्यू 10 लिख देते हैं, और बी का वैल्यू बचा, तो बी का वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहां पर ए प्लस बी प्लस सी कितना 24 हो रहा है, तो ए का मान 9 है, सी का मान 10 है, तो 10 प्लस 9 19 हो गया, तो 24 में से 19 घटा देंगे यानी कि 5 बचेगा, तो बी का वैल्यू कितना 5 होगा। ये 5 हमने कैसे लाया है, जो अगर आपको समझना है तो बी का वैल्यू इस तरह से हमने कैलकुलेट किया है, ए प्लस बी प्लस सी इसमें से हमने क्या घटाया है, इसमें से हमने ए और सी के वैल्यू को घटा दिया है, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना, ये आप देख सकते हैं कि यहां से या यहां से देखिए 24 है ना, तो 24 में से हमने क्या घटाया है, ए प्लस सी कहने का मतलब 9 प्लस 10 यानी कि 9 प्लस 10 कहने का मतलब कितना 19 हमने घटाया है, तो 24 में से 19 घटा देंगे तो 5 होगा, तो इस तरह से 5 हमने यहां पर लाया है। और आप दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं, जैसे देखिए ए प्लस बी का वैल्यू 14 होना चाहिए, तो ए का वैल्यू 9 तो बी का वैल्यू 5 लेंगे तभी 9 प्लस 5 14 होगा, या यहां से भी देख सकते हैं बी प्लस सी का वैल्यू 15 होना चाहिए, तो सी का वैल्यू 10 है तो बी का वैल्यू 5 लेंगे तो 15 हो जाएगा बी प्लस सी। जैसे चाहे आप बी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहां आप देख लीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए, तो 24 होना चाहिए, तो 9 प्लस 5 प्लस 10 करेंगे तो 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 10 तो 24 हो रहा है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो बराबर किया है हमने वो अब ठीक है ना। अब इसके आगे देखिए क्वेश्चंस में क्या बोला है, क्वेश्चंस में बोला गया है कि ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर रुपया में ज्ञात कीजिए, तो यहां पर ए और बी का जो अनुपात है, ए को 9 रुपया मिलता है तो बी को 5 रुपया मिलता है, तो ये दोनों का रेशियो में अंतर कितना का है, 9 और 5 का अंतर कितना 4 का है रेशियो में, तो ये 4 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है। और यहां पर टोटल कितना हो रहा है, तो 9 प्लस 5 14 प्लस 10 24, और टोटल क्वेश्चंस में दिया है कितना 4800, यहां ये मिटा करके हम लिख रहे हैं, यानी कि ये आपका टोटल है जो ए प्लस बी प्लस सी रेशियो में कितना है, तो ये आपका 24 है, और यही 24 रेशियो का वैल्यू कितना है, तो 24 रेशियो का वैल्यू देख सकते हैं 4800 दिया है, तो एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 4800 बटे 24 करेंगे यानी कि 24 दुनिया 48, तो 200 बार में कैंसिल हो जाएगा ना, तो 24 में 200 से गुना करने पर 4800 हो जाता है, तो ये 4 रेशियो का वैल्यू निकालना है हमें, तो क्या करना होगा, इसमें भी हमें 200 से गुना कर देना है, तो 4 गुना 200 तो ये आपका 800 हो जाएगा, यानी कि हम बोलेंगे कि ए और बी के हिस्सों में 800 रुपया का अंतर है। ये कौन सा ऑप्शन में दिया है 800 रुपया, तो ऑप्शन नंबर ये दिया गया है बी नंबर में, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। ये हमने पूरा डिटेल से बता दिया, अब इसी का शॉर्टकट अगर देखना चाहते हैं तो इतना में ही हम कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ये जो हमने इतना लिखा है इतना नहीं लिखना है, ए और बी का अंतर कितना 4 का है, यानी कि 9 और 5 का अंतर 4 का है, तो 4 का वैल्यू पूछा है, तो सबसे पहले 24 का वैल्यू कितना हो गया 4800, 24 रेशियो का वैल्यू 4800, तो एक रेशियो का वैल्यू 4800 बटा 24 होगा, यहां पर 4800 बटे 24 हमने लिखा, एक रेशियो का वैल्यू इतना हुआ, और 4 रेशियो का वैल्यू हमें निकालना है, तो 4 से इसमें गुना कर देंगे, अब इसे सोल्व करेंगे तो ये 200 बार में कैंसिल होगा, 200 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये आपका शॉर्टकट है, मतलब इतना आपको नहीं करना है, बेसिक से ये हमने बताया है, और ये आपका शॉर्टेस्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 77 नंबर, यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो क्रमशः ए बी और सी की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, यहां पर लिख रहे हैं ए और बी, क्वेश्चन में दिया है कि ए की आय है जो बी की आय से 15% ज्यादा है, यानी कि बी की आय को हमने 100% अगर माना है तो ए की आय क्या हो जाएगी 100% प्लस 15% यानी कि 115%। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, अब 5 से कैंसिल करते हैं तो 20 पचे 100 और ये 23 पचे 115, तो 23 अनुपात 20 हो गया ए और बी का अनुपात।
उसी प्रकार से बी और सी के बारे में क्वेश्चंस में बोला है कि बी की आय सी की आय से 20% कम है, यानी कि बी की आय है जो सी की आय से 20% कम है। तो सी की आय हमने 100% माना है, तो बी की आय 20% कम है, यानी कि 100-20 तो बी की आय 80% ही है। अब परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 20 से कैंसिल करते हैं तो 20 चौके 80 और ये 20 25 100, यानी कि ये बी और सी का अनुपात 4:5 हो गया। अब आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए, यानी कि ए बी और सी की आय का अनुपात बताइए कितना होगा। तो देखिए यहां बी का वैल्यू कितना है 20, यहां बी का वैल्यू 4 है, तो ये बी के वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, इसको बराबर करेंगे। तो यहां 20 है यहां पर 4 है, तो 4 और 20 का एलसीएम 20 होता है, तो यहां तो 20 है ही, 4 को 20 बना लेते हैं, 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 5 में भी 5 से गुना करना होगा, यानी कि 20:25 हो गया। अब देखिए यहां पर 20 और यहां भी 20 हो गया, यानी कि बी के वैल्यू को हमने बराबर कर दिया, जो दोनों में कॉमन होता है उसको बराबर किया जाता है। अब ए का वैल्यू कितना 23 है और बी का वैल्यू कितना है 20 है और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 25 है, तो ये 23:20:25 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 23:20:25, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर 78, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 78, यदि ए कॉमा बी से 80% अधिक है और बी कॉमा सी से 20% कम है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। अब थोड़ा शॉर्टकट हम यूज करेंगे, ए और बी का यहां पर अनुपात हम डायरेक्ट लिखेंगे, या एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, क्वेश्चंस में बोला है ए बी से 80% अधिक है, यानी कि बी 100% है तो ए 80% ज्यादा है, मतलब 180% है। अब परसेंट से परसेंट कैंसिल करेंगे, 1 0 से 1 0 भी कैंसिल कर देते हैं, फिर 5 × 10 9 × 18 यानी कि 9:5 आपका हो गया ए और बी का अनुपात। उसी प्रकार से बी और सी का अनुपात भी निकाल लेते हैं, क्वेश्चन में बोला है बी सी से 20% कम है, यानी कि सी 100% है तो ये 20% कम है, मतलब 80% ही है। अब परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 20 चौके 80 20 25 100, यानी कि बी और सी का अनुपात 4:5 हुआ। अब आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो दोनों में जो कॉमन होगा उसको बराबर करेंगे, तो दोनों में कॉमन आपका बी दिख रहा है, यहां पर बी का वैल्यू 5 है, यहां बी का वैल्यू 4 है, तो 5 और 4 को बराबर करेंगे तो 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है, तो 5 को 20 बनाना है तो 4 से गुना करना होगा, तो 9 में भी 4 से गुना करना होगा, 4 को 20 बनाना है तो 5 से गुना करना होगा, तो 5 में भी 5 से गुना करना होगा, तो ए अनुपात बी क्या होगा 9 चौके 36:5 20, बी अनुपात सी क्या होगा तो 4 × 20 = 25, यानी कि बी के वैल्यू को हमने बराबर कर दिया, तो ए का मान 36 है, बी का मान जो हमने बराबर किया है वो कितना है 20 है, और सी का मान कितना है तो 25 है, तो ये 36:20:25 कौन सा ऑप्शन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 36:20:25, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 79 नंबर, एक स्कूल में गणित भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए सीटें 7:8:9 के अनुपात में है, सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले अनुपात क्या दिया है, गणित भौतिकी और रसायन विज्ञान का, गणित को हम मैथ्स लिख देते हैं, और उसके बाद क्या है भौतिकी को फिजिक्स PhY से लिख रहे हैं, और रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री CHE से लिख रहे हैं। इसका अनुपात दिया है 7:8:9, और क्वेश्चन में ये बोला है कि सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, यानी कि मैथ्स में 30% सीट को बढ़ाया जा रहा है, और फिजिक्स में 40% सीट को बढ़ाया जा रहा है, और केमिस्ट्री में 50% सीट को बढ़ाया जा रहा है, तो नया अनुपात क्या होगा जो आपसे पूछा है। तो कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, देखिए मैथ्स में पहले 7 सीट था, 30% बढ़ाया जा रहा है यानी कि 130% हो गया, तो 7 का 130% यानी 7 गुना 130%, उसके बाद अनुपात,
फिजिक्स में पहले 8 सीट था, 40% बढ़ाएंगे तो 140% हो जाएगा, 8 का 140% यानी 8 × 140%। उसके बाद नेक्स्ट केमिस्ट्री में 9 सीट पहले था, 50% इसमें वृद्धि करेंगे यानी कि 150% हो जाएगा, तो 9 का 150% यानी कि 9 × 150% इस तरह से लिखेंगे। अब इसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, सबसे पहले परसेंट सभी से कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद एकक जीरो भी हमने कैंसिल कर दिया है। अब इसके बाद देखिए यहां पर अब कैंसिल नहीं होगा तो गुना कर देते हैं, 63:91:14/112:115:35 तो ये 91:112:135 कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर देखिए 79 नंबर का, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 91:112:135, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कि जब एग्जाम में आप बनाएगा तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, ये आपको क्या करना है एग्जाम में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, यही आपका शॉर्टेस्ट मेथड है और इतना ही आपको एग्जाम में करना है। जब हमें समझाना था तो इस तरह से क्वेश्चंस भी थोड़ा हमने अरेंज करके लिख दिया है, और एग्जाम में सिर्फ आप इतना ही करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चंस नंबर देखिए 80 नंबर, यदि x का 15% बराबर y का 25% बराबर z का 50% है तो x/y/z का मान क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चंस में दिया है x का 15%, इसको शॉर्टकट में लिखेंगे का मतलब गुना होता है, तो x × 15% फिर बराबर का चिन्ह है, इसके बाद लिखा है y का 25% का मतलब गुना, तो y × 25% इसके बाद बराबर का चिन्ह है, फिर आगे लिखा है जेड का 50% का मतलब गुना, तो z × 50% और आपसे पूछा है x/y/z का मान बताइए क्या होगा। तो देखिए इसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले ये परसेंट हम तीनों से कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद हम 5 से कैंसिल करते हैं, तो 5 × 15 = 25 और 5 × 50 अब कैंसिल नहीं होगा, तो ये 3x = 5y = 10z हो गया। अब देखिए जब दो या दो से अधिक राशि बराबर के रूप में रहे और उनके बीच हमें अनुपात को प्रकट करना है तो क्या करते हैं, जो उनका कोफिशियंट होता है, गुणांक होता है, उसको उलट करके लिखा जाता है, मतलब उसका व्युत्क्रम रेसिप्रोकल लिखते हैं। देखिए x/y/z हमें निकालना है, तो यहां 3x है, 3x कहने का मतलब यहां डिटेल से लिख देते हैं 3 × x लिखा गया है, यानी कि 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं, तो x का गुणांक 3/1 है, तो 3/1 का उल्टा 1/3 हुआ, मतलब यहां पर 1/3 लिखेंगे। उसी प्रकार से यहां पर 5y है, तो y का गुणांक 5/1 है, तो इसका उल्टा 1/5 होगा, यानी कि यहां पर हम 1/5 लिखेंगे। इसके बाद यहां z का गुणांक 10/1 है, यानी कि इसका उल्टा 1/10 से यहां पर हम लिखेंगे, यानी कि z का रेशियो 1/10 होगा, z का गुणांक 10 है मतलब 10/1 है, तो 10/1 का उल्टा 1/10 होगा, तो z का रेशियो 1/10 हुआ। अब ये आपका फ्रैक्शन में है यानी कि भिन्न के रूप में है, तो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करते हैं, 3, 5 और 10 मतलब जो हर में रहेगा, डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसका एलसीएम लेते हैं और सभी में गुना करेंगे, तो यहां हर में डिनोमिनेटर में क्या है, 3, 5 और 10 है, तो 3, 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, तो देखिए 5 और 10 का एलसीएम तो 10 होगा, 10 और 3 का एलसीएम 30 होगा, यानी कि हमने एलसीएम निकाल लिया 3, 5 और 10 का, ये कितना हो गया 30 हो गया, तो सभी में हम इससे गुना कर देंगे 1/3 × 30 और ये 1/5 × 30 और ये 1/10 × 30। अब कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, ये आपका 3 × 30 कैंसिल हो जाएगा और 5 × 6 = 30 कैंसिल हो जाएगा, 10 × 30 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 × 1 = 10 हो गया अनुपात, 6 × 1 तो 6 हो गया अनुपात, 3 × 1 तो 3 हो गया। इस तरह से ये x/y/z हमने निकाल दिया, वो 10/6/3 हुआ, कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 80, ये आपका 10/6/3 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हमने आपको बताया
मेथड फर्स्ट, यानी कि मेथड फर्स्ट जो ये हमने बताया ये आपका बेसिक मेथड था, और इसका देखिए मेथड सेकेंड ये आपका शॉर्टेस्ट मेथड है, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में आप चाहे तो ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एक मेथड हम और बताएंगे इस क्वेश्चन का। तो देखिए सबसे पहले ये कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 5y बराबर 10z, जब यहां लिख देते हैं 3x बराबर 5y बराबर 10z, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए यहां पर हमें एक्स वाई और जेड का अनुपात निकालना है, तो कैसे निकालेंगे जल्दी से, तो सबसे पहले यहां पर आप x का रेशियो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यानी कि x को इस तरह से इलिमिनेट करेंगे तो क्या बचा यहां पर 5/10z, यानी कि इसका सिर्फ आपको ये लेना है अंक वाला वैल्यू लेना है, डिजिट वाला वैल्यू लेना है, यानी कि जो कांस्टेंट है उसको लेना है। तो 5 और 10 यानी कि गुना करके यहां लिख सकते हैं, 5 × 10 यानी कि 50 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए y का रेशियो लिखना है तो y को इलिमिनेट करेंगे, y को आपको इस तरह से करना है तो 3x और 10z इस तरह से आपको दिख रहा है, यानी कि 3×10 यहां पर लिखेंगे, 3×10 यानी कि कितना 30 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए z का रेशियो लिखना है तो क्या करेंगे, इस तरह से z को इलिमिनेट करेंगे तो क्या इधर रहा 3x और 5y दिख रहा है तो 3×5 लिखेंगे, यानी कि 3 × 5 तो 15, इस तरह से आपको यहां पर लिख लेना है। दैट मीन्स इसमें तो कोई भी डॉट नहीं होना चाहिए, 50:30:15 हुआ। अब ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, तो यहां पर कैंसिल कर देते हैं हम, 5 से कैंसिल कर देते हैं तो 5 × 10 = 50, 5 × 6 = 30 और 5 × 3 = 15, तो 10:6:3 आपका हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। ये हुआ आपका मेथड सेकेंड। एक मेथड और बताते हैं, मेथड थर्ड। देखिए यहां पर मेथड थर्ड को स्टार्ट करते हैं, जो ये हमने इस तरह से किया था कि हर का जो वैल्यू होता है जैसे 3, 5, 10, इसका एलसीएम निकाल करके एलसीएम 30 आया, सभी में हमने गुना किया, ये नहीं करना चाहते हैं तो इसी का शॉर्टकट भी क्या है जो देखिए, सबसे पहले ये आपका जो कैंसिल करने के बाद आएगा 3x बराबर 5y बराबर 10z, ये लिख लेते हैं 3x बराबर 5y बराबर 10z, और हमें एक्स y और z का रेशियो वैल्यू निकालना है, तो कैसे करेंगे देखिए, मेथड थर्ड भी आपका सबसे बेस्ट अप्रोच है और ये आपका बेस्ट मेथड है इस वैरायटी के क्वेश्चंस का। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर जो आपको दिख रहा है 3, 5 और 10 का एलसीएम निकाल लेना है, ये 3, 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, यहां पर हम एलसीएम निकाल करके लिख देते हैं 3, 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा, तो 30 हो जाएगा आपका एलसीएम। तो अब क्या करेंगे, यानी कि 3 का मल्टीपल 30 है ना, तो यानी कि 3 का गुणज मतलब 3 का टेबल में आपका 30 आता है, तो कितना बार में 30 आता है, 3 × 30 10 बार में, तो यहां पर 10 लिखेंगे, या आप इस तरह से भी सोच सकते हैं 30/3 करेंगे तो 10 हुआ, उसी प्रकार से 5/6 = 30 होता है, यानी कि 30/5 करेंगे तो 6 हो जाएगा, उसके बाद 30/10 करेंगे तो 3 होगा, यानी कि 10 × 30 होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना बी में दिया था, मतलब यही आपका बेस्ट अप्रोच है और इसी से आप चाहे तो शॉर्टकट में क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में भी। तो 3 मेथड हमने बताया है और सबसे बेस्ट आपका मेथड थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, 81 नंबर क्वेश्चंस नंबर, देखिए 81 नंबर, यदि a/4 बराबर b/5 बराबर c/6 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। यहां हमने लिखा a/4 बराबर b/5 बराबर c/6 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। तो जब भी इस वैरायटी का क्वेश्चंस रहे तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं, a/4 है यानी कि a का अनुपात 4 हो गया, b/5 है यानी b का अनुपात 5 हो गया, c/6 है तो c का अनुपात 6 हो गया, 4:5:6 कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये तो हमने शॉर्टकट में बता दिया, और इसी को डिटेल में करना चाहे तो एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, a/4 को हम लिख सकते हैं 1/4 × a, उसके बाद b/5 को लिख सकते हैं 1/5 × b, और c/6 को लिख सकते हैं 1/6 × c। अब देखिए a अनुपात b अनुपात c हमें निकालना है, तो क्या करेंगे,
जब दो या दो से अधिक राशि बराबर के रूप में रहे और उनके बीच अनुपात हमें प्रकट करना हो तो क्या करते हैं, जो उनका कोफिशियंट होता है, गुणांक होता है, उसका व्युत्क्रम यानी उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा लिखते हैं। तो ए का गुणांक 1/4 है, ए का कोफिशियंट 1/4 है, तो 1/4 का उल्टा 4 होगा, तो यहां पर 4 हमने लिखा। उसके बाद बी का गुणांक 1/5 है, तो 1/5 का उल्टा 5 होगा, तो यहां पर 5 हमने लिखा। उसी प्रकार से सी का गुणांक 1/6 है, तो 1/6 का उल्टा 6/1 मतलब 6, तो यहां पर 6 हमने लिखा। तो इस तरह से ये आपका बेसिक हुआ, और ये जो हमने किया ये आपका शॉर्टकट हुआ, मतलब डायरेक्ट आप इस तरह से बना सकते थे। तो जैसे चाहे आप इस वैरायटी के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस नंबर 82 नंबर क्वेश्चंस क्या है। यदि ए का 1/3 बराबर बी का 3/4 बराबर सी का 1/6 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। ए का 1/3 इसे हम लिख सकते हैं ए गुना 1/3 किसके बराबर है, तो बी का 3/4 यानी बी गुना 3/4 के बराबर है, और ये किसके बराबर है, तो सी का 1/6 मतलब सी गुना 1/6। अब देखिए यहां पर हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इधर हम कर रहे हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। किस तरह से करेंगे, तो ए का गुणांक 1/3 है, तो 1/3 का उल्टा 3/1, तो यहां पर 3/1 हमने लिखा। उसके बाद ये देखिए बी का गुणांक 3/4 है, तो 3/4 का उल्टा 4/3 होगा ना। उसके बाद सी का गुणांक क्या है, सी का गुणांक है 1/6, 1/6 का उल्टा 6/1 या सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं। अब जो हर में है उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और उसके बाद क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है तो जो भी एलसीएम होगा उससे हम सभी में गुना कर देंगे, तो 1, 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा ना, तो सभी में 3 से गुना कर देते हैं। और इसके बाद जो कैंसिल होता है तो कैंसिल में करेंगे, जैसे 3 एकम 3 यहां कैंसिल होगा ना, तो फाइनली यहां पर लिख रहे हैं ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो गया, तो 3 * 9 = 4 * 4 = 6 * 18। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 82 का देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है 9 * 4 = 18, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो इस तरह से 82 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 83 नंबर। यदि ए अनुपात बी बराबर 3/2 = 7/3 है, बी अनुपात सी बराबर 1/5 = 1/7 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ए अनुपात बी को थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलतम रूप में इसे हम लिखेंगे। तो पहला मेथड है इसे सोल्व करने का कि जो हर में है 2 और 3 इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, फिर यहां पर 3/2 × 6 करेंगे और यहां 7/3 × 6 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 = 6 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 9 हो जाएगा, और ये 3 * 2 = 6 तो ये 14 हो जाएगा। ए अनुपात बी 9/14 हुआ। दूसरा तरीका है कि आप क्रॉस भी गुना कर सकते हैं, जैसे आप इंटर में पढ़े होंगे 11th 12th क्लास में पढ़े होंगे डिटर्मिनेंट, हिंदी में सारणिक बोलते हैं, तो पहले इस तरह से क्रॉस गुना किया जाता है, मतलब 3 * 3 तो 9 हुआ, उसके बाद अनुपात, और ये 2 * 7 करेंगे इसके बाद, तो 2 * 7 = 14 हुआ। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, वही काम हम यहां पर करेंगे, पहले 1 * 7 करेंगे तो 7 हो गया, फिर अनुपात 5 * 1 करेंगे तो क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये अगर और भी कैंसिल होता तो कैंसिल आप कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहां बी का वैल्यू 7 है, यहां बी का वैल्यू 14 है, तो बी के वैल्यू को हम बराबर करेंगे, मतलब 7 को 14 बना देते हैं, तो इसमें 2 से गुना करना होगा, तो 5 में भी 2 से गुना करेंगे, मतलब ये 14/10 हो गया, यानी कि बी के वैल्यू को हमने बराबर कर दिया। तो ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू कितना 14 यानी कि 14, और सी का वैल्यू कितना 10 यानी कि 10। 9/14/10 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 9/14/10, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर 84 नंबर क्वेश्चन क्या है। ए अनुपात बी बराबर 7/9 है, यहां लिख देते हैं ए अनुपात बी बराबर 7/9 है। उसके बाद लिखा है बी अनुपात सी बराबर 5/11 है, बी अनुपात सी क्या दिया है 5/11 है, तो आपसे क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले यहां बी का वैल्यू 5 है, यहां बी का वैल्यू 9 है, तो 9 और 5 को बराबर करेंगे, तो 9 और 5 का एलसीएम 45 होता है,
तो 9 को 45 बनाएंगे तो 5 से गुना करना होगा तो 7 में भी 5 से गुना करेंगे, 5 को 45 बनाना है तो 9 से गुना करना होगा तो 11 में भी 9 से गुना करेंगे। तो ए अनुपात भी क्या होगा, 7 पचे 35 अनुपात 9 पचे 45। बी अनुपात से क्या होगा, तो 45 अनुपात 11 99। बी के वैल्यू को हमने बराबर कर दिया है तो ए का वैल्यू कितना है 35 अनुपात, बी का वैल्यू कितना है तो देख सकते हैं जो बराबर किया है वो आपका 45 है फिर अनुपात, सी का वैल्यू कितना है तो ये आपका 99 दिख रहा है। तो 35 अनुपात 45 अनुपात 99 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 84 का ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है 35 अनुपात 45 अनुपात 99। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 84 के बाद 85 नंबर से हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका एक तरह से बोल सकते हैं 40 मिनट के आसपास का वीडियो होने वाला है या हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे जिसमें टाइप 2 आपका समाप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जरूर सेलेक्ट कर लीजिए।